वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी टेस्ट नंबर 89 है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे से उसका रिवीजन करना। बोल बाचिया बैक्टीरिया न्यूज़ में चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है और गगनयान के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। तो हाल ही में समाचारों में रहे गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है जिसके वर्ष 2022 में प्रक्षेपित होने की उम्मीद है। अब तक केवल अमेरिका ने अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजा है। तो देखिए 2022 में इसको प्रक्षेपित होने की उम्मीद है और हमारे देश की आज़ादी के 75वें साल की वर्षगांठ पर 2022 को हो जाएंगे 75 साल, उसको प्रक्षेपित होने की उम्मीद है 2022 तक, करेक्ट है। और अभी तक देखिए रूस ने भी भेज चुका है अंतरिक्ष में मानव मिशन, चीन ने भी भेजा है, अमेरिका ने भेजा है और भारत चौथे नंबर पर होगा। तो केवल अमेरिका ने भेजा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट केवल पहला सही है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान का नाम है गगनयान रखा गया इसका नाम, और देश की आज़ादी के 75 साल हो जाएंगे 2022 को जब इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। नव अंतरिक्षयान योजना भारत की एक राष्ट्रीय योजना है जिसका नेतृत्व इसरो सहित भारत के विभिन्न अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। अब तक देखिए रूस ने भी भेजा, अमेरिका ने भेजा, चीन ने भेजा, तीन देश ऑलरेडी भेज चुके हैं, और भारत का अगर इसको भेज देता है, सफल परीक्षण इसका हो जाता है, तो भारत ऐसा चौथा बन जाएगा और विज्ञान के क्षेत्र में इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वैश्विक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, साथी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वस्त्र मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है साथी। बिजली करघा पावरलूम क्षेत्र में ऊर्जा प्रभावी वस्त्र प्रौद्योगिकी के टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो साथी बिल्कुल वस्त्र मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है, करेक्ट है ये। और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि बिजली करघा क्षेत्र और ऊर्जा प्रभावी वस्त्र प्रौद्योगिकी के टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण के लिए इसकी शुरुआत की गई है, दोनों करेक्ट हैं। तो बिजली करघा पावरलूम उपकरण क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण के लिए तथा तकनीकी का उपयोग कर लागत में बचत के लिए साथी मतलब लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण साथी का फुल फॉर्म है ये, पहल के तहत वस्त्र मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय ने समझौता किया है। इस पहल के अंतर्गत पहले चरण में विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड पुरानी अक्षम विद्युत मोटरों को ऊर्जा प्रभावी IE3 मोटरों के साथ प्रतिस्थापित करेगी जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा और लागत में 10-15% की बचत हो सकेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वियतनाम में हिंद महासागर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, इस सम्मेलन का विषय निम्नलिखित में से क्या था बताओ। वियतनाम में एक सम्मेलन हुआ है हिंद महासागर सम्मेलन और उसका तीसरा संस्करण हुआ है अभी हाल ही में, क्या है इसकी थीम? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, नहीं हिंद हमारा महासागर हमारा भविष्य, नहीं एक स्थिति स्थापक ग्रह के लिए साझेदारी, नहीं क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण। यही था हिंद महासागर के तीसरे संस्करण का उद्देश्य, क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण जो वियतनाम में हुआ। तो हिंद महासागर सम्मेलन का तीसरा संस्करण वियतनाम की कैपिटल हनोई में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय है क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण, क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण। हिंद महासागर सम्मेलन में हिंद महासागर सम्मेलन को भारत फाउंडेशन मतलब इंडिया फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर श्रीलंका तथा बांग्लादेश में अपने सहयोगियों के साथ शुरू किया गया था। याद रखो सिंगापुर श्रीलंका बांग्लादेश में अपने सहयोगियों के साथ शुरू किया गया था। यह एक वार्षिक सम्मेलन है इसको याद रखो, जिसका उद्देश्य राज्यों सरकारों के प्रमुख मंत्रियों और विचारवान नेताओं विद्वानों राजनयिकों नौकरशाहों और चिकित्सकों को एक मंच पर लाना है। अगला प्रश्न है इम्प्रिंट इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इम्प्रिंट इंडिया का लक्ष्य भारत में प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान करना है। इम्प्रिंट का उद्देश्य ज्ञान को व्यवहार प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करना है। इम्प्रिंट 2 का संचालन केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। देखिए जब केवल किंतु परंतु आ जाता है ना किसी स्टेटमेंट में वो अधिकतर गलत हो जाता है, तो यहाँ पर ये गलत है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो कर दो एलिमेंट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, केवल पहला और दूसरा होगा। तो इम्प्रिंट यानी इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक
राष्ट्रव्यापी पहल है जो भारत के लिए रूपांतरण संबंधी शोध के एक समावेशी तथा दीर्घकालिक तरीके के माध्यम से देश में प्रासंगिक सभी प्रमुख इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार की गई है। इम्प्रिंट समस्या केंद्रित नवाचार है जो ज्ञान को व्यवहारिक प्रौद्योगिकी उत्पादों और प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखती है। MHRD और DST इस योजना के संचालन के लिए संयुक्त साझेदार हैं। MHRD का मतलब समझते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और DST इस योजना के संचालन के लिए संयुक्त साझेदार हैं। अगला प्रश्न है, पार्कर सोलर प्रोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य के वायुमंडल के बाह्य वातावरण का अन्वेषण करेगा। बाह्य वातावरण करेक्ट है, अगर यही होता ना आंतरिक अन्वेषण का, आंतरिक भाग का अन्वेषण करेगा तो गलत हो जाता। तो बाह्य भाग का अन्वेषण करेगा मतलब कोरोना का। इसका नाम उस सौर भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है जो सौर ऊर्जा का वर्णन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। गुरुत्वाकर्षण सहायता प्राप्त करने के लिए यह शुक्र की 7 फ्लाईबाई करेगा। तो दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, मतलब इस शुक्र के चारों ओर घूमेगा, फिर वहाँ से गुरुत्वाकर्षण उसका प्राप्त करके तब ये सीधे सूर्य की तरफ भागेगा। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो नासा का है ये पार्कर सोलर प्रोब जो सूर्य के लिए पहला मिशन प्रक्षेपित है। यह मिशन सूर्य के वायुमंडल और इसके बाहरी वातावरण कोरोना को करीब से समझने में मदद करेगा। अंतरिक्ष यान का नाम 91 वर्षीय और सौर भौतिक विज्ञानी यूजिन पार्कर के नाम पर रखा गया है। नासा का ये याद रखो, इंडिया का नहीं है, जो वर्ष 1958 में सौर ऊर्जा का वर्णन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। क्या नाम है इनका? यूजिन पार्कर, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। 1958 में सौर वायु का वर्णन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान शुक्र के पास 430,000 मील प्रति घंटे, देखिए कितना तेज, 430,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा। इस प्रकार सूर्य के कक्ष में पहुंचने के लिए ये क्या करेगा, शुक्र के चारों ओर सात फ्लाईबाई करेगा। उसके बाद वहां से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर सीधा फिर उड़ेगा आगे। अगला प्रश्न है, सूर्य की कक्षा में चला जाएगा। आइस सेट 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? यह पृथ्वी की ध्रुवीय बर्फ की मोटाई मात्रा में परिवर्तन को मापने के लिए इसरो द्वारा निर्मित उन्नत लेजर उपकरण है। तो पहला है तो सही, लेकिन आधा सही है। आधा इसलिए सही है क्योंकि यह पृथ्वी की ध्रुवीय परत की मोटाई मात्रा में परिवर्तन को मापने के लिए मापता तो है, लेकिन ये इसरो का नहीं है, ये इंडिया का नहीं है, अपना नहीं है, नासा का है, अमेरिका का है मतलब। तो गलत है पहला। यह समुद्र तल में वृद्धि के कारणों को समझने में भी सहायता करेगा, दूसरा सही है। तो केवल दूसरा सही है, इसमें गलत पूछा है ना, तो केवल पहला गलत है और दूसरा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन। तो देखिए, नासा पृथ्वी के ध्रुवीय बर्फ की मोटाई या ऊंचाई में परिवर्तन को मापने के लिए उन्नत लेजर उपकरण लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस उपकरण का नाम द आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन 2 है, मतलब आइस सेटेलाइट टू। अब ये क्या करेगा, देखिए जैसे ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड पर इतनी सारी बर्फ़ जमी हुई है, फिर नीचे अंटार्कटिका में दक्षिणी गोलार्ध में इतनी सारी बर्फ़ जमी हुई है, तो वो बर्फ़ कितनी पिघलती है एक वर्ष के अंदर, उसका ये आकलन करेगा, वार्षिक रूप से आकलन करेगा आइस सेट टू। तो यह उपग्रह ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका को कवर करने वाली जो बर्फीली भूमि है ना, उसका वार्षिक औसत ऊंचाई में कितना परिवर्तन होता है, कितनी वो पिघलती है, इसी को नापने के लिए है आइस सेट टू। तो आइस सेट टू की नई अवलोकन प्रौद्योगिकी समुद्र स्तर की वृद्धि में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ शीट के योगदान की समीक्षा भी करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शब्द होराइजन 2020 समाचारों में था। एक तो इवेंट होराइजन सैटेलाइट था, इवेंट होराइजन सैटेलाइट ने क्या किया है, M87 जो ये है ना मिल्की वे तो चला हमारा है, जो वहाँ अंतरिक्ष में होती है ना आकाशगंगा गैलेक्सी M87, उससे ब्लैक होल का
वो लेकर आया था ना इमेज फ़ोटो अभी हाल ही में। अब यह है होराइजन 2020। तो ये क्या है होराइजन 2020? तो यह है यूरोपीय संघ के अनुसंधान एवं नवीकरण का औद्योगिक नेतृत्व और सामाजिक चुनौतियों से निपटने हेतु विज्ञान आधारित सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये याद रख लो, ये यूरोपीय संघ का है, मतलब यूरोपियन यूनियन का है। अधिकतर ये पूछेगा, इसरो बोल देगा, नासा बोल देगा, वर्ल्ड बैंक कुछ भी बोल देगा, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का है, याद रखो। तो 7 वर्षों मतलब 2014 से 20 के लिए $80 बिलियन की फंडिंग के साथ उपलब्ध यह यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं अभिनव कार्यक्रम है। होराइजन 2020 उत्कृष्ट विज्ञान औद्योगिक नेतृत्व और सामाजिक चुनौतियों से निपटने हेतु अनुसंधान और नवाचार करने में मदद करेगा। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि यूरोपीय विश्व स्तरीय विज्ञान के विकास में मदद करे और नवाचार के लिए बाधाओं को हटाए तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नवाचार हेतु किए जाने वाले कार्यों में सहयोग करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय REDD रणनीति का उद्देश्य वन संरक्षण को प्रोत्साहित करके जलवायु परिवर्तन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, तो एब्सोल्युटली करेक्ट है दूसरा, और पहला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों सही हैं। तो देखिए, REDD का क्या है इसका फुल फॉर्म? तो यह है रेड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डीफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, का अर्थ है वन कटाई एवं वन हार्श से उत्सर्जन में कमी। वन कार्बन स्टॉक का संरक्षण, वनों का सतत प्रबंधन, विकासशील देशों में वन कार्बन में स्टॉक में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन में कमी लाने में वनों की भूमिका की पहचान की गई है। REDD को लागू करने तथा इसके समर्थन के लिए विभिन्न देशों को आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। अब भारत द्वारा UNFCCC है ये, को दी गई अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के वन देश के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 12% हिस्से को समाहित कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया का जो वन क्षेत्र है ना, जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें कम से कम 12% इंडिया के वन उसको खा जाते हैं, समा लेते हैं। तो वन मत काटना इंडिया में, पेड़ काटो मत, पेड़ लगाओ। अगला प्रश्न है, थंबनेल का प्रश्न आ गया। देखिए, बोलवाचिया बैक्टीरिया समाचारों में था, निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है और इम्पोर्टेंट है? क्या है बोलवाचिया बैक्टीरिया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स को प्रसार करने से रोकने के लिए नहीं है, जीका और चिकनगुनिया को फैलाने के लिए भी नहीं है, बच्चों के लिए जापानी एंसेफेलेटाइटिस मतलब मियादी बुखार फैलाने के लिए भी नहीं है। देखिए, यहाँ बैक्टीरिया, अधिकतर बैक्टीरिया ख़राब होते हैं, लेकिन यहाँ जो बैक्टीरिया है ना, ये अच्छा काम करेगा या कर सकता है, वोलवाचिया बैक्टीरिया। देखिए, वोलवाचिया बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है, अगर ये मच्छर के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया जाए, एंडीज मच्छर के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया जाए, तो जो एंडीज मच्छर का वायरस जो है ना, जो चिकनगुनिया और डेंगू ये सब जो फैलाता है ना, तो उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, मतलब या फिर उसकी जो एफिशिएंसी है उसको कम किया जा सकता है। तो ये बैक्टीरिया है एक प्रकार का, मच्छरों को मनुष्यों में डेंगू वायरस संचारित करने से रोकने के लिए, दूसरा सही है। तो समझो इसको, ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया से संक्रमित ऐसे मच्छर की पहचान की है, मतलब एक ऐसा मच्छर होना चाहिए जिसके अंदर ये बैक्टीरिया चला जाए, या फिर कोई ऐसी टेक्निक जिससे इस बैक्टीरिया को मच्छर के अंदर इंजेक्ट कर दो, बढ़ा दो, जिसका नाम है वोलवाचिया बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया मनुष्यों में मच्छरों द्वारा डेंगू वायरस के संक्रमण या प्रसार को रोकेगा। जब ऐसे मच्छर जिनमें वोलवाचिया बैक्टीरिया पाया जाएगा या होगा उसके अंदर, को वातावरण में छोड़ा जाएगा, तो वे इन बैक्टीरिया का प्रजनन कर इन्हें वातावरण में फैला देंगे और बढ़ा देंगे। इस प्रकार ये अन्य मच्छरों से प्रतिरक्षा करेगा। यह पाया गया है कि जब एंडीज इजिप्टी मच्छर में यह बैक्टीरिया होता है, तो ये इन मच्छरों की जो डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसे विषाणुजनित रोगों को फैलाने की जो संचरण क्षमता होती है ना, उसको अवरुद्ध कर सकता है
और कम कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा बैक्टीरिया है, बोल बाचिया बैक्टीरिया। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर पर आकलन करता है। इस सूची में कलकत्ता को दूसरा स्थान दिया गया है। सॉरी, चलिए बताइए आंसर क्या है इसका। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलिए देखिए कहाँ थे, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, नहीं है, ये गलत है। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को कहाँ शामिल कर लेगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, शहरी क्षेत्र ही शामिल होते हैं इसमें केवल, तो गलत है। दूसरा भी, इस सूची में कलकत्ता का दूसरा स्थान है, पश्चिम बंगाल तो आया नहीं, पहले पीछे हट गया, गलत है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो कौन सा सही नहीं है, एक दो और तीन, तीनों सही नहीं है। तो देखिए, आवास और शहरी मंत्रालय ने देश के शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है। मंत्रालय द्वारा केवल शहरों में विभिन्न पैरामीटर कौन कौन से, ये भी देख लो। देखिए, संस्थागत में शासन देख लो, शासन कैसा है शहरों में, सामाजिक स्थिति कैसी है, मतलब पहचान कैसी, शिक्षा कैसी, स्वास्थ्य कैसी, सुरक्षा कैसी है। आर्थिक स्थिति को भी देखते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी है, रोजगार कैसा है, भौतिक दशा कैसी है, इन सारे जीवन गुणवत्ता का यहाँ अध्ययन किया जाता है इसमें। और देखिए, मंत्रालय द्वारा इस सर्वेक्षण में 111 शहरों को शामिल किया गया है। अब पश्चिम बंगाल ने इसमें भाग लेने से पीछे हट गया, वो इनकार कर दिया, वो सोच रहा होगा हम सबसे पीछे हो जाएंगे या बहुत गंदगी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल है नहीं, तो कलकत्ता कहाँ से आएगा दूसरे स्थान पर, तो नहीं है, गलत है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो देखिए, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना, प्लेलिस्ट सबकी बना रखी है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको क्लिक कर लो। जो भी अगर दूसरी बार रिवीजन करना हो, तीसरी बार रिवीजन करना हो, तो यूट्यूब में देखिए प्लेबैक स्पीड होती है, उसको 1.5x ले लेना, ताकि आप लोगों का समय बचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।